केंद्र सरकार द्वारा कपड़े, गारमेंट्स और जूतों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध अब तेज हो रहा है। इंदौर रिटेल गारमेंट्स व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों की लाइट बंद कर दी, मोमबत्ती जलाकर थाली मंजीरे बजाकर शासन का ध्यान आकर्षित करवाने सड़क पर उतरे। अनोखे अंदाज में यशोदा माता मंदिर रोड, जबरेश्वर महादेव मंदिर रोड, सुभाष चौक, मूलचंद मार्केट, इमामबाड़ा क्षेत्र के दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन, सचिव महेश गौर ने बताया कि बढ़ाई जा रही जीएसटी पूरी तरह से गलत है। शासन को जमीनी हकीकत समझना जरूरी है। शासन ने अगर इस बड़ी जीएसटी को वापस नहीं लिया तो व्यापारी चतबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। आज ब्लैकआउट मार्केट अभियान के तीसरे दिन व्यापारी पेट पर कपड़ा और ताला बांधकर विरोध करेंगे। जो हमारा मध्य प्रदेश में ब्लैक आउट मार्केट अभियान शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन हमने एक अनोखे अंदाज में शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए जहां मोमबत्ती, झांझ मंजीरा, थाली बजाकर विरोध किया है। सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारी बात को तवज्जो दे। भारत में कोई भी स्थिति में गारमेंट्स पे जीएसटी, कपड़े पे जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कतई मंजूर नहीं होगी। ये हमारी बात है, हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। सरकार से हम मांग करते जा रहे हैं कि हमें 5% की पुनः जो स्थिति है उसको वापस लाएं और ये 12% हमें मंजूर नहीं होगा।